आज एक और नई वीडियो के साथ हम आए हैं। ये भी गेम पे काफ़ी अच्छा जाता है। यहाँ से मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी ताकि जल्दी से लैंड हो, टाइम ना वेस्ट हो वीडियो में, कोई जल्दी जल्दी बस लैंड हो, गनों के उठाएँ और फाइट लें। में मुझे अच्छी गन मिल जाती है, मैं इधर आ जाता हूँ, मुझे पता है कि सामने वाले गढ़ में हैं बंदे, तो मैं सोचता हूँ कि एक ही बंदा कर देते हैं रश। उसने वैसे भी एक बंदा नॉक किया हुआ था, ओपन में रश नहीं कर रहा था, कवर लेके मैंने सोचा करूँगा रश, और ये उसका मैं किल चोरी कर लेता हूँ। यहाँ पे उसका जो किल है वो चोरी हो जाता है, अब उनको गुस्सा आ जाता है, अब वो लोग सीधा मुझ पर करते हैं रश। ये पहला आया, इसको निपटा देते हैं। और यहाँ पे मेरी लो हेल्थ बहुत लो हो गई थी और हीलिंग मेरे पास नहीं थी, खाली एनर्जी ड्रिंक्स थे मेरे पास और कुछ नहीं था। तो पहले मैं एक एनर्जी ड्रिंक मारता हूँ, एक एनर्जी ड्रिंक मार के फिर मैं सोचता हूँ फुल बैक कर लेते हैं, क्योंकि हीलिंग तो वैसे भी नहीं थी और बहुत मसला होना था बाद में, उसने एक ही गोली मारनी थी, मैंने मार जाना था। यहाँ पे हमारे कोर साथी अपने घुटनों में आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे एक बंदा नज़र आता है, ये मेरे ख्याल से बोट था, इसको मैं हिट देता हूँ और फिर ये बोट था रियल पे, क्योंकि एकदम ओपन में नहीं आ जाते। और फिर मैं यहाँ से M4 उठाता हूँ, और मुझे पता था ऊपर एक है बंदा, मुझे अभी कंफर्म नहीं था कि ऊपर एक ही बंदा है या कितने बंदे हैं, लेकिन फिर भी मैं अब देख रहा था कि क्या करना है। साथी भी कोई पास नहीं था, नहीं तो मैंने कर देना था रश। फिर मैंने सोचा कि जो दूसरा गाड़ी उधर जा के एंगल लेने ही करते हैं, क्योंकि इस तरह रश करने का कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पे एंगल लेने की मैं कोशिश तो कर रहा था, यहाँ पे पहले फालतू चीज़ें ड्रॉप करता हूँ, एमओ वगैरह मुझे मिल जाती है M4 की। यहाँ पर मैं एंगल ले रहा हूँ कि कोई एंगल मिले जिससे हम मार लें। वहाँ पे दो बोट आपस में फाइट कर देते हैं, एक को तो मैं वैसे डाउन करके बहुत दो कर देता हूँ बोट को, दूसरा ही वहाँ से आता है। यहाँ पे वो मेरा बंदा जो किला वो चोरी कर लेता मेरा, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना कर लूँ लेकिन नहीं, और ये भी उसने मेरा किल चोरी कर लिया। मुझे गुस्सा आ जाता है कि मेरे दो किल मैं सीधा करता हूँ रश, और ये मेरा टीम मेट यहाँ पर आके तब तक मार भी दिया होता उसने, मार भी देता उसको। अब यहाँ पर दो बंदे मुझे और मिलते हैं, एक उसी से मैं टुकाने लगाता हूँ। ये दोनों साथी थे, अलग अलग थे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भी उसको मार रहा था, वो बोट था और ये नीचे वाला मेरे ख्याल से रियल था। नीचे वाला तो फिनिश हो जाता है, ऊपर वाले बोट को मैं मार देता हूँ। यहाँ पर मुझे फुट स्टेप आ रहे होते हैं, मैं सोचता हूँ रियल है, लेकिन जब मैं उसको मूवमेंट देखता हूँ मुझे पता चल जाता है कि वो एक बोट ही है, यहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है। मुझे पहले स्टार्टिंग में लगा था कि ये कोई इसका टीममेट वगैरह होगा, लेकिन नहीं, ये बोट था कोई। फिर आगे जाता हूँ, इनको मैं पहले देख लेता हूँ कि ये यहाँ पर आ रहे हैं, इनका पहले पता होता है कि यहाँ पर आएंगे। एक को मैं डाउन करने की कोशिश करता हूँ और वो भी जाता डाउन, दूसरे को भी मैं करता हूँ कोशिश, लेकिन वो देखिएगा आप आगे, दूसरे को मारने की कोशिश करता हूँ, वो भी काफ़ी लो होता है, मैं भी 1 HP वो भी 1 HP, लेकिन मेरे ख्याल से उसके पास हीलिंग लगाने का टाइम नहीं होता। अब देखिएगा साथ ही वो नॉक हो जाता है, प्ले जोन से साथ ही वो नॉक हो गया,
तो मैं सोचता हूँ कि अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं, अब आराम से जोन पहले जाके पकड़ लेता हूँ, क्योंकि उनके दो प्लेयर मैं ऑलरेडी नॉक कर चुका था और रिवाइव वो मुझे लगता था कि नहीं दे पाएंगे। ये उनका एक और जिसको मेरे ख्याल से उसने रिवाइव दिया था वो दोबारा से नॉक हो गया था, तो वो रिवाइव नहीं दे सकता था, उसके लिए रिवाइव देना काफ़ी मुश्किल था। मैं पहले यहाँ पे बूस्ट वगैरह कर लेता हूँ कि वो लोग आगे आएंगे तब मैं उनको देख लूँगा। गन भी लोड कर लेता हूँ, फुल बूस्ट करके रख लेता हूँ और वो आता है। गाड़ी को तो मैं काफ़ी गोलियाँ मारता हूँ लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता गाड़ी को, फिर वो आगे जा रहा होता है। उसको मेरी एक एक लगती है गोली वो मर जाता है, 1 HP था शायद वो। वो जो एक बंदा होता है वो उन दोनों को मार देता है और ये मुझे पीछे से मारने की कोशिश करता लेकिन मार नहीं पाता। अब ये काफ़ी यहाँ पे वेट किया जाता है, वो भी काफ़ी वेट करता है, मैं भी नेट वगैरह पर वो डालता है, फिर मैं भी सोचता हूँ नेट वगैरह डालूँ लेकिन मुझे इसकी कंफर्म पोजीशन नहीं पता थी कि वो आया कहाँ पे, फ्रंट पे है कौन सी जगह पे। मैं वैसे ही नेट डाल रहा होता हूँ तुक्के पे लेकिन वो उसी वक्त नीचे आ जाता है, और ये मुझे पता चल गया था। मैंने सोचा बस अब राशि कर देते हैं, उसी से उसको मार के चिकन डिनर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया था हमारा चिकन डिनर।